और परेशानी से लड़कर सफल हो जाना इंसान की बुद्धिमानी है, अन्यथा अपना साथ आजीवन के लिए बेईमानी है। समय वर्तमान आपका है, न कि अतीत न भविष्य, वनली प्रेजेंट नो पास्ट नो फ्यूचर, सिर्फ वर्तमान आपका है। वर्तमान में आपकी सजगता, आपकी सावधानी भविष्य के भव्य निर्माण में सहयोगी है, इसलिए वर्तमान समय का आप सदुपयोग करें। याद रखें, एक एक क्षण 24 घंटा में 21,600 बार श्वास प्रश्वास क्रिया हो रही है। चाहे आप सोते हो, रोते हो, गाते हो, बजाते हो, नाचते हो या फंसते हो, लेकिन 21,600 बार श्वास प्रश्वास क्रिया हर चल रही है। सरकते सरकते जीवन का मार्ग भरक जाएगा, पता न चलेगा कहाँ चला गया। संत सिताते हैं और कहते हैं, ओ युवक, ओ जवान, ओ जवानी पिछलाने वाले बुद्धिमान, जरा सोच लो, इस जवानी को धक्का दे रहा है। धक्का देने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन धक्का दे रहा है। धक्का देने वाला का नाम पता आपके पास है, नाम भी है और काम भी, देखो उस तरह बुढ़ापा। ऐसी कोई जवानी नहीं जिसे बुढ़ापा धकियाता नहीं हो, लतियाता नहीं हो, गरम गरम बतियाता नहीं। इसलिए धक्का देते देते एक दिन जवानी का पानी बह जाएगा और बुढ़ापा सिर पर रह जाएगा। और क्या कहा जाएगा सुन लो, जब आंखों पे तनेगा जालम, जब आंखों पे तनेगा जालम, नामू से बहेगा नाला, लाठी से ही पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी खरे खरे वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, अपड़ पड़ थूकते रहोगे थूकदानी में, अजी भक्ति का सुनोगे तब शक्ति न रहेगी, जब राम नाम जपने को तेरी वरदानी में। संत की चेतावनी क्या कहा, जोग जोग और भोग से वियोग करो, राम नाम जप ले जल्दी से तू जवानी में, नहीं तो गिरोगे बिरसार के गंगे नदी के पानी में। लड़खड़ा जाओगे, लट जाओगे, उछलने कूदने वाले के टांग भी आपस में लड़खड़ाएगी। यदि दूर नहीं है, हाँ दूर है तो संभल ना, पहले से समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, वर्तमान है। सिर्फ वर्तमान को सजो, जीवन को बर्बाद न करो सजो, और जीवन के भव्य भवन को भविष्य का निर्माण करो। आओ इसी निर्माण की कड़ी में अपने मन को, अपने चित्त को भगवान की ओर लगाना। अब तक जान चुके हो, तीन बात को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ जाना, तीन बात को नहीं जाना तो सब बेकार जाना। हित जाना हरिहान जाना, हित जाना उदय जाना, अपना जाना पराया जाना, बाल बच्चे को जाना, परिवार को जाना, घर द्वार को पहचाना, लेकिन सचित आनंद को न जाना तो कुछ नहीं जाना। ये घर परिवार का सबका होता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब अपना घर में बताते हैं। चिट्ठियों को देखो, हजारों चिट्ठियां एक आवाज पर दौड़ती है। नजदीक से देख लेना, मक्खी चिट्ठी से वजनी है, लेकिन एक चिट्ठी को मैंने देखा, आप भी देख लेना, एक मक्खी को उठा करके दौड़ती है। देखो तो आत्मबल, देखो आत्मबल, और राशन कार्ड के लिए झगड़ा नहीं करती है, अपने बल पर मक्खी को भी उठाकर दौड़ती है और अपने गंतव्य को लेकर चल जाती है। तो श्रम तो सब करते हैं, अकेले नहीं परिवार के लिए करते हैं, ये तो संसार का धंधा है, होता रहेगा। लेकिन मनुष्य, मनुष्य की बुद्धि के सामने चैलेंज है, चुनौती है कि तुम जानो तो तुम कौन है, तुम कौन है, तुम कहां से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, जा कहां रहे हो, जाना कहां है, ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ कोर्स है। प्राइमरी से मिलता है, मैंने देखा है कोर्स नहीं मिला, महापुरुषों का संपर्क मिला, सानिध्य मिला, तो जाना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं और कर क्या रहा हूं। बस अगर सही कर रहे हैं तो ठीक है, करते तो, अगर गलत करते हो तो समझ लेना इसका परिणाम गलत ही होगा। मिचाई की खेती करने वाले खेसारी नहीं चीजे, खेसारी पड़ने वाला बूढ़ का होरा नहीं खाएगा। याद रखना, बुरी का नाम बुरा होता ही होना ही है, इसलिए संतों की चेतावनी है, कर्म प्रधान
कि कर्म प्रधान विधि स्वकरिहा, समझ बैठा था कि मैं बलवान हूं, धनवान हूं, बुद्धिमान हूं और जवान हूं, लेकिन सब भाव व्यर्थ समझ में आ गए धीरे धीरे। बाल कृष्ण जब धीरे धीरे लीला शुरू कर दिए तो पहले झोंक में समझने के लिए कंस को बाध्य होना पड़ा कि पुतना जैसी बाल घातनी को एक बालक मार दे या कोई इंसान की करतूत नहीं हो सकती। इंसान भी इतना बल कहा जो पुतला जैसे विशाल शरीर वाले राक्षसी को मार दे, अवश्य वह भगवान होगा। नारद जी कह गए थे यदवंशी सब नारायण की विष्णु के अनुयायी है, तेरे लिए खतरा की घंटी बजाने आए हैं। लगता है गोकुल में ही ये खतरा की घंटी बजाने वाला पुत्र मारा है। बैठक हुई मथुरा की राजमहल में, प्रस्ताव आया, सब ने कहा हुजूर डरने की क्या बात है। सभा में बैठा था एक तृणावर्त, तृण कहते हैं घास फूस को, आवर्त का माने भौंरी, बात्या, चक्रवात, बवंडर। क्षण में वह आंधी पैदा करता और धरती की धूल का आकाश में भर देता, घर द्वार को उड़ा देता, पेड़ पौधे को उड़ा देता, बड़े पहाड़ से भी टक्कर लेने वाले इतना ताकत तृणावर्त। कहा हुजूर यदि आपको विश्वास है, थैंक यू मिश्रा जी, कि आपका मारने वाला पैदा लिया था, पैदा ही लिया है, फायदा आपका हो जाएगा, यदि मुझे आदेश दीजिए कैसे फायदा होगा। तृणावर्त कहा कि दुनिया के नक्शा से हम गोकुल को मिटा देंगे, मुझ में ताकत है, एक मौका तो दीजिए अपनी ताकत दिखाने की। ताकत ठीक है, आदेश देता हूँ, गोकुल में है, गोकुल मिट जाएगा तो मेरे मारने वाला भी मिट जाएगा, बस अच्छा हुआ, जड़ करते पत्तियां सूख जाएगी। आदेश मिलते तृणावर्त चला मथुरा से, तृणावर्त आधी तूफान लेकर के गोकुल के लिए। उस समय कन्हैया मैया की गोद में दूध पी रहे थे, कन्हैया को पता चल गया कि ममहर से आदमी आ रहा है, उसका स्वागत करने वाला कोई चाहिए, तो कन्हैया माँ की गोद से उतरने लगे। तब तक आधी तेज हो गई, धरती की धूल आकाश से भर गए और माँ जल्दी जल्दी बरामदे से दूध पिलाते कन्हैया को घर में लेकर भाग चली। कन्हैया ने सोचा भैया मैया तो घर मंत्र देगी तो मैं निहाल आदमी बिहार चला जाएगा, स्वागत कौन करे, मैयो क्या पता है, मुझे पता है। इसे उतारने की चेष्टा करने लगे, बस कन्हैया मैया में झगड़ा हो गया, बड़ा तगड़ा हो गया। कन्हैया उतारना चाहते हैं, मैया संभालना चाहती है, बहुत से उतरने के रोने लगे, लेकिन रोने उनका प्रभाव नहीं है। कौन आदमी पानी में मैया होगी जो बालक को उतार देगी, वो घर में भागने की कोशिश कर रही। कन्हैया ने छोटा सा अभिनय कर दिया, नाटक दिया, क्या आठ सिद्धियां होती है जी, जो दर्शन आठ सिद्धियों का नाम है आईमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामिषित और वसित। गरिमा का माने और भारी होना, लघिमा माने हल्का हो जाना, एक ही आदमी भारी हो जाएगा क्षण में हल्का हो जाएगा, महिमा बहुत बड़ा हो जाएगा, लघिमा एकदम छोटा हो जाएगा। हनुमान जी मशक समान रूप कपि धरी, लंग कही चले मेरी नर हरी, छोटे हो गए असर कनक भौधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, मेरे पहाड़ की तरह। ये सिद्धियां हैं, भगवान ने भी ऐसी सिद्धियां आश्रय लिया। गरिमा हो गए भारी, वो ऐसे भारी हो गए कि अब मैया के सामने दो समस्या है, या तो कन्हैया को संभाले या पखुरी को उड़ावे। पखुरी बिना कवरे न रहेगी, अगर कन्हैया गोद में रखेगी तो कौन मैया होगी जो पखुरी अपन कबर वावे, कन्हैया को उतार देना पड़ा। रोने से नहीं उतारे तो कन्हैया भारी हो गया, भारी हो तो पखुरी संभालना मुश्किल हो गया, कन्हैया उतर गए। उतार के सड़क के अग्रह में आ गए, छोटा बच्चा भी मेहनत भी नहीं है, अग्रह में आ गए, मैया बरामदे में टोल रोल रो रही है। आधी अंधकार इतना था कि दिन में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, निराश होकर हाय कहाँ गया कृष्णा, कन्हैया कन्हैया, कृष्णा कृष्णा कहाँ गया, और बोलते गड़गड़ है। भैया निराश हो गई, कहाँ चला गया, बरामदे में चक्कर लगा रही, बाहर जाने की हिम्मत नहीं। तब तक तृणावर्त आ गया गोकुल में,
चारों ओर नजर दौड़ाया, कहीं कोई नहीं था, सब घर बंद है, अपने घर में सब दुबक गए, कोई बाहर नहीं है। हाँ, नंद का घर नहीं खुला रहा, छोटा सा बालक आंगन में आंखें तले तले देख रहा, यही क्या कंस का, यही तो मालूम पड़ता है, इतनी धूल से भरा वायुमंडल और उसको भी आंखें तले रहा है, मतलब यही होगा के लंबा दोनों देखे जाते जा। बढ़ाया कन्हैया को पकड़ कर, सोचा जाकर कर के सारा फटक देगा मर जाए, लेकिन योजना धरी की धरी रह गई, योजना धरी की रह गई। हाँ, और कन्हैया बोले कि आप इतने परिश्रम करके मैं निहाल से आए हैं, मुझे उठाने के लिए बेहाल क्यों रहे हैं, देखिए मेरा कमाल बताते हैं। उछल गए कहीं दब रहा है, गर्दन से जाप की चिपक गए, जैसे गली में कोई खदेड़ता हो बच्चे को, माँ के गर्दन से लिपट जाए ऐसे चिपट गए, दोनों हाथ से गर्दन दबाया, गर्दन दबते सांस की नली बंद हो गई और बाहर जीव निकल आई, आंखें उलट गई, मरा और गिरा आंगन में, गिरते जोर से आवाज हुई, माँ दौड़ी, क्या हुआ, देखिए कहा धूम से भरा आंगन है, बड़ा पड़ा राक्षस है, और उसकी छाती पे कन्हैया उछल रहे हैं, दौड़ कर कन्हैया को उठाई, दौड़ कर उठाई, बहुतों को मिलाकर धूल साफ कराई, लाश को टुकड़े टुकड़े बाहर करवाई, भिगवाई और कन्हैया को ही गोमूत्र से स्नान करा करके प्रक्षण कराई, विद्वानों को दान दक्षिणा दी, बताए थे ना गोमूत्र, गो मतलब जर्सी फ्रीजर नहीं, अपने भारतीय नस्ल गाय का मूत्र हर रोग का इलाज है, असाध्य रोग जिसे कहते हो जॉन्डिस एड्स भगंदा भैर बड़े रोग भी गोमूत्र से भागते हैं, ऐसे जैसे लाठी देकर कटा हुआ कुत्ता भागता है, क्या मजाल में रोग हो जाए, प्रयोग करके देखो, घर में दवा है अतवी रोग रोगी है, आश्चर्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सुनाता हूँ, संसार में एक संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संसार भर के लोग जायजा लेते हैं, कुछ न कुछ उपचार सुझाते हैं, उनका है कि भारत की धरती पर गाय है, गंगा है और नीम का पेड़ है, फिर भी वहाँ लोग रोगी होते हैं, अस्पताल बनाने के लिए हल्ला करते, हमारे अस्पताल नहीं, ओह अस्पताल जाने का अर्थ होता है, अस्पताल मैंने रख ले हरण बाबू जी बेटी के ब्याह ला, खेत 12-18 करके नगद पैसा, अब तिलक भेजब डेटो पंडित जी निश्चित हो गए, लेकिन हे बीच बाबू जी की टांग टूट गया, अस्पताल चल आशा जल अस्पताल में पहुंच गया, अस्पताल में बेटी की तिलों का पैसा डॉक्टर ले लिया, वो बनाओ फिर 10-18 कर, आशा जल अस्पताल में पहुंच गया, अस्पताल में हाँ आशा की बेटिया विवाह कर, क्या विवाह करवा, अब धोखा भी कर लिया, वो करवो गोल बनावा, अस्पताल के नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि क्या अस्पताल के लिए हल्ला करता है, यहाँ नींद है, सारे रोगों के इलाज नींद है, वृक्ष में और पानी पर जिनगाने अवलंबित है, गंगा का पानी है और क्या कहना है, अन्न में चना है, अन्न में चना है और गाय पशु में है, इतनी चीजों को रहते भारत में रोगी क्यों होते हैं, इसका मतलब इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, ना नीम का प्रयोग करते हैं, ना गंगा जल का प्रयोग करते हैं, गंगा जल आज के काल नहीं है, पुरानी बात, आज तो गंगा हाँ नरक बन गई है, गर्मी में आजकल जाओ ना कानपुर में पैर धोने की कीमत नहीं होगी, दुर्गंध, सैकड़ों टन चमड़ा लो गंगा के जल में फुला रहा है, चमड़े की फैक्ट्री कर चमड़ा फुला, वो पानी पीने लगा क्या, गुड़ धोना पीने, उस दिन क्या है जब गंगा सचित गंगा थी, तो और गोमूत्र गोबर गोमूत्र जिसमें 5 अमृत 3 अमृत गाय का है, दूध गाय का, दही गाय का और घी गाय का, मधु और गुड़ बाहर से दुगो मिला, 5 में 3 अमृत गाय देने वाली, ऐसे अमृत देने वाली गाय जिस देश में हो और तभी लोग रोगी होते, आश्चर्य है, मैं लिख कर दस्तक कर सकता हूँ, गोंद पीने वाला जीवन में कभी अस्पताल नहीं जाएगा, सांप काट खाया हो भयंकर गोहमन्ना और करे का दो सांप इधर है भयंकर बिस्तर, इन दोनों का विष बात के बाद में गोमूत्र शांत कर देता है, तुरंत काटे तुरंत पिला दो, संदेह भी हो जाए पिला दो, क्योंकि रिएक्शन साइड इफेक्ट उसका नहीं है, पिला दो शांत हो जाएगा, अगर देर होगी सांप काटे तो कफ हो जाएगा,
कंठ से पार मुद्र नहीं होगा तो वो मुद्र नहीं, पहले घी पिला दो, घी कर करा कर तुरंत पिलाओ, कंठ खुल जाएगा मुद्र दे दो, पेट में मुद्र जाएगा तो जहर का असर समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके 50 ग्राम का पिलाते जाओ, 25 ग्राम पिलाते जाओ, कोई दवा मत दो, कोई बदलाव मत दो, फिर देखो तो चालू कैसा होता है। अगर 200 ग्राम तक पेट में चला गया गौमूत्र तो मजान है कि वह मरेगा कभी नहीं, नाम का नशा भी बच जाएगा, एकदम गारंटी है। मैं अपने नहीं कहते आयुर्वेद गुरु जी के पास पढ़ा हूँ, आयुर्वेद भी लिखा है वो मूत्र नरमूत्र पुराने नखे नवा हरिद्रापान मातृण विषम हंति चरा चरा। इन्हीं शास्त्रों के आधार से मैंने जड़ी बूटी का चमत्कार एक संत का उपहार, छोटी किताब लिख है, सैकड़ों लोगों का इलाज चलते फिरते घास फूस से। अगर गोमूत्र नहीं है, सांप काट खाया है तो किसे मालूम नहीं है गुमा घास, उस पर बुझौनिया बुझाते हैं बच्चे, अजब शहर कलकत्ता जेकर फल फल जो पत्ता वही है गुमा, अरहर की खेत पहचान से गुमा होता है। अगर मुंह में जानवर के घास के साथ गुमा चल जाए तो कह कर दे घुटाता नहीं जानवरों, कह कर दे घास उगल दे, इतना गड़बड़ है। सांप काट जाए गोमा घास ले आओ, सुखा कर रखे रहो आपस में, धो दो उसको बढ़िया से, धोकर पीस दो, गोलमिर्च के साथ 100 ग्राम 50 ग्राम भी पहले बच्चा है तो 50 ग्राम पिला दो, क्या मजा जो जहर का प्राप्त तुरंत जहर खत्म होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा गुमा घास। केना घास होता है, केना बरसात के दिन में केना होता है, केना घास लाओ पीस के बोल तो गोल मिल जाते जा दो आपका जहर खत्म हो जाएगा। तो एक रोग का सैकड़ों इलाज, 14 इलाज तो मैंने किताब लिख दिया, सब जगह मिलने वाले, सांपे का नहीं, सांप का बिच्छू का मच्छर का सब का इलाज है। कितना बताऊंगा, बताऊंगा तो दवा बताता बताता समय खत्म हो जाएगा। बिच्छू के दवा मच्छी, अगर बिच्छू काट खाए और कोई पहलवान है तो गांव के बुला लो, पहलवान में लवड़ पहलवान नहीं मच्छी मारने वाला, हर देख मच्छी को पकड़ लो जिंदे, और जहां बिच्छू काट रहा है रगाड़ दो उसका चित हो जाए, काम हो जाए, फिर उठे न पाए, देखो तो कंधार खत्म हो जाना है, जादू हो जाएगा। बिच्छू की दवा मच्छी, ऐसी से दवा बता दी गई है, जॉन्डिस किसी को हो गया है कोई दवा मत करो, अगर वह मछली पर जीव पटकता है तो चेहरा निकाल लो और चेहरा को छाली में खोआ में या पेड़ा में बंद करके खिला दो, एक चेहरा पेट में डाल दो, 3 दिन के अंदर जॉन्डिस भाग जाए जैसे लाठी देकर कटरवा खुदा भागे, एक ही दिन एक चेहरा खिला दो फिर जॉन्डिस क्या मजा जो 7 साल ताके ले आवे थे, ऐसी ऐसी दवा बता दिया जो चलते फिरते को पैसा खर्चा ना लेकिन समय नहीं इसलिए चर्चा ना बंद करता हूँ। तो बाछे पुत्र से कन्हैया को स्नान कराया और तृणावर से होने वाले आशंका को मैया ने शांत कराया। अभी कन्हैया महीना दिन के नहीं हुए, देखते देखते 27 दिन कन्हैया हो गए, वही नक्षत्र आ गया जिसमें उनका जन्म था, जन्म नक्षत्र का नाम है रोहिणी, उसका चंद्रमा है पति, रोहिणी नक्षत्र के मालिक स्वामी है चंद्रमा, और कृष्ण चंद्र वंश में आए थे, चंद्र वंश में ही जिद वंश है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे भगवान, जन्म नक्षत्र आया तो माया कहते कि आज जन्म नक्षत्र उत्सव मनाया जाएगा। कन्हैया छोटे थे रोते तंग करते आने वाले सैनिक सेवा कैसे कर दी, दूध पिलाकर माँ ने आंगन में गाड़ी रखी थी, संस्कृत में गाड़ी का हमें सकट, गाड़ी के बीच में नीचे ताकि भीड़ भड़कम से कोई गड़बड़ न होगा, बढ़िया बिछौना लगा कर कन्हैया को दूध पिलाकर सुला दी। आने वाले सहेलियों की सेवा में रोहिणी नाम की जो एक औरत थी वसुदेव जी की, वही रहती नंद घर में, उसकी सहायता सेवा में लग गई, मैया तो सेवा में लगी आने जाने वालों की, और कन्हैया को एकांत मौका पाकर उस गाड़ी में छिपा था एक दुष्ट असुर, गाड़ी में छिपे होने से उसका नाम भागवत बना गया सकटासुर, सकट माने गाड़ी असुर माने दैत्य, वह सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है मार डाले इसको, कन्हैया उसकी चालाकी समझ गए, सोए तो थे नहीं, धीरे से करवट बदलने का बहाना लेकर बाया पैर उछाले, बाएं पैर के अंगूठा की टक्कर गाड़ी से लग गई, टक्कर लगते गाड़ी उलट गई, गाड़ी पर खेसारी मछली नहीं रखी गई थी, गाड़ी पर दही दूध मक्खन बड़े बर्तन में सब बड़ा भर फूट गए, चारों मक्खन दूध प्रायश्चित चला गया, लोग गाड़ी उठाने गए, जो नजदीक था उसने देखा कि गाड़ी उलटते एक व्यक्ति ऐसा प्रकट हुआ जिसके शरीर के अंग कांति चमक पैदा करने वाली आंख से ध्याने वाली कृष्ण की परिक्रमा करके चला गया।
परीक्षित से पूछा, महाराज सुखदेव जी गाड़ी में कौन छिपा हुआ था, पीछे चमक के साथ गायब हो कौन था? सुखदेव जी कहते गाड़ी में छिपो ने उसका नाम था शकटदार सुख, असली उसका नाम था उत्कट, संस्कृत उत्कट करते उत माने ऊंचा हुआ, कच माने केस बाल, उसके माथे का बाल ऊंचा हुआ था, कड़ा था, जिसको कहते देहात सुअर बारा, इतना कड़ा बाल था कि ढाई मारे तो सुई की नोक की तरह बाल भी चुभ जाता था, क्या मजा जिससे कोई बात भी करे ढाई मारता था, भोंक दे बाल भी डर से थर थर कांपते थे, कुछ बड़ा हुआ तो शैतानियत की नई इमारत खड़ी कर दिया, क्या करता संत महात्माओं की कुटिया में जाता, जो कुछ नया नहीं था पुराना था साष्टांग दंडवत करता, महात्मा लोग पहले कहते थे आयुष्मान भव दीर्घायु भव चिरायु भव आशीर्वाद देते, इतना कहते वह झोपड़ी को माथे पर उठाए और नदी में जाकर नहर में जाकर सोन में जहा दे माने आशीर्वाद ले जाए झोपड़ी भी ले जाए, ये उसके धंधा बड़ा मजा मिलता था, जैसे फगुआ के दिन में बूढ़े लोग को कदी पुराना बच्चों को मजा देता है ना, हाँ जितने बूढ़ा गाली दे उतने कदी पर आवे, ऐसे ही उसको मजा मिलता था बूढ़ों को झोपड़ी उजाड़ने में, आशीर्वाद ने झोपड़ी से बहुतों को उजाड़ दिया, एक बार लोमस जी की झोपड़ी उजाड़ने के लिए आ गया, लोमस जी जान चुके थे बड़ा शैतान है सबको तंग करता है, आज इसकी आदत छुड़ा देनी है, ये ज्यादा बहका है सहका है कि लहका भी है ना, क्योंकि लोग डांटते हैं तो उसको लहका देते हैं, लोमस जी समझ गया कि शैतानियत करने आया है, आशीर्वाद का वाक्य बदल लिया, उन्होंने नहीं कहा चिराई भाव, उन्होंने कहा विदेहु भव, विदेह माने बिना देह के हो जा, समझ गया संस्कृत को बुझ गया विदेहु भव, आज भी संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा में मिली हुई है, साधारण लोग भी समझते हैं संस्कृत, अरे मनुष्य समझे तो क्या कुत्ता भी भारत का संस्कृत समझता है, कौन कैसे समझता है, कुत्ता के बुलाने के लिए जो बोली हम बोलते हैं जो शब्द बोलते हो क्या कहते हैं, कुत 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 अतु अतु आवा, ये संस्कृत है, कैसे जरा समझो व्याकरण, कुत्ता कुत्ता होता है संस्कृत में, किन सबसे तद्धित प्रत्यय होता है कुत्ता, माने कहां से कहां से, कहां से हो कहां से हो संस्कृत में कुत्ता कुत्ता माने कहां से कहां से, कुत्ता में विसर्ग हट गया, कुत्ता का कुत 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 हो गया, विसर्ग नहीं बोले खाल बोल दिया कुत कुत हो गया, विसर्ग खड़ चुन गया, ये तत्सम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव देशन विशोध उत्पत्ति के विचार सब साथ चाल खड़ा होते, तो तत्सम हो गया कुत्ता का कुत कुत, अतु ये शुद्ध खाटी संस्कृत है, अद धातु भोजन करने अर्थ है अति अत अदंति, आदमी ये रूप चलता है खाता है खाते हो खाता हूँ चलता है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, तो अतु लोट लगार का रूप है एक बचन में, अतु माने खाओ, गच्छतु माने जाओ, पठतु माने पढ़ो, आगच्छतु माने आओ, पीवतु माने पीओ, बाकतु माने बोलो, इस तरह से अतु माने खाओ, कुता कुता कुत 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 अतु अतु आओ, आओ माने रक्षा, ये भी है रक्षा और रक्षण, मारूंगा नहीं कहाँ चला गया था तुम्हारे खपड़ी में भात रख दिए अतु अतु हाँ खुद करने के रहो खा खा खा, खा। या कुत्ता पूछता है आदमी बाद में खुद खुद कर तुत वाह, एक दिन तो सत्यनारायण व्रत कथा हम सुना रहे एक दिन मान के हम तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर भी बोल रहा है संस्कृत में, सरकार हमने सबके कुछ घरे घरे कहा भाई जा कहा हो चला गया काम ना जरा आरती बजा जान चला गया, जोर से बोलने लगा ओ अर्जुन बाबू फल ना धरे के सब धरने ने उता हवा निमंत्रण हो सब धरने, हम तो जब बताओ कितना तुम सब धरे बन जाते हो, अरे दारा कहते औरत को सब धरे सर्वे दारा संस्कृत से सर्वे दारा कहोगे सब धरने, अब औरत भी घरे हंडिया बर्तन न चढ़ाता और तो मन सब हुई खैतन सब धरे मैंने सब बाल बच्चे औरत वाले सब उनके ही के निमंत्रण हवा सब दर बोला हटा हुआ निमंत्रण है वह देखो सब दर सब सर में दारा संस्कृत तो जिस देश में कभी कुत्ते भी संस्कृत पूछते थे आज पूछते हैं साधारण अपन पूछता है उस देश में आज संस्कृत को लोग वृत्त भाषा करने लगे हैं, वो जमाना दूसरा था समझ गया उसका कि विदेह हो माने बिना देह कहा कर हमारे देह क्या हो जाएगी खड़ा हो गया, अब देह की बात आई मन में झोपड़ी उठाने के बाद भूल गया, शरीर पर जब हाथ फेरा तो चमड़ी मान सब से उड़ा गया,
अरे तो मेरा देखो भाई हड्डी बच गई, गिर गया चरण में। रोमर जी महाराज क्षमा करो, बड़े मैंने गलती की, ताकि सभी गलती की सजा मैंने दी। अब तुम्हें शरीर होने वाला नहीं, हाँ भगवान की दृष्टि होगी तब। इंसान के लिए सांप का हरण करने वाले भगवान होते हैं, भगवान ने तुझे क्षमा करेंगे, तुझे तो मैंने दंड दे दिया, आप जाओ। बहुत रोया क्या कि जाओ तो नंद बाबा के आंगन में कभी छिप कर रहना तो भगवान की नजर पड़ेगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। छिप कर रहने का मतलब क्या है कि शरीर तीन प्रकार का सबका होता है, आपका भी हमारा भी सबका तीन प्रकार का शरीर है। एक शरीर जो आप देख रहे हो इसका नाम है स्थूल शरीर, इसमें 24 चीजें होती हैं। आज जब शरीर से आत्मा निकलती है, जीव निकलता है, तो 17 चीज के साथ निकलता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 मन, 11, 5 प्राण, 11 और 5 16 और 1 बुद्धि, ये 17। इन 17 को लेकर शरीर से आत्मा निकलती है। अब तक के विज्ञान उस आत्मा को देखने में समर्थ नहीं हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत कुछ आविष्कार कर चुके हैं, लेकिन शरीर से निकलते उस सूक्ष्म शरीरधारी जीव को लोग देख नहीं पाया। अगर देख पाता तो पकड़ लेता, फिर पकड़ कर घुसेड़ता उसी में कि नहीं मत जाओ। लेकिन अब तक दिखाई न पड़ा। गीता के 15 अध्याय भगवान कहते ज्ञान अर्जुन, शरीर से निकलती हुई आत्मा को बैठ करके भोजन करते बोलते खाते पीते हंसते सूती आत्मा को कोई दिखता नहीं। कैसे देखोगी, इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों में ताकत नहीं है। पश्चंती ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान दृष्टि जब मिल जाए तो देख सकते हो। ज्ञान दृष्टि अलग तृतीय दृष्टि ही है, उस दृष्टि के बिना विज्ञान अब तक कोई मशीन नहीं बना पाया। वही सूक्ष्म शरीर से उठकर था, गाड़ी में छिपा हुआ था, लोगों की नजर में नहीं आता था। भगवान की नजर से क्यों नहीं दिखता, दिख गया। भगवान ने उसे पैर के उठा से ही टक्कर दिया, छू दिया, छूने का परिणाम हुआ कि मुक्त हो गया। दुनिया के जीवों में भगवान ने अपनी शक्ति थोड़ी थोड़ी दे दी, अद्भुत चमत्कार हो गया। क्या आप जानते हो, चिड़िया को दूध नहीं होते, पक्षी दूध नहीं पिला सकते बच्चों को, कैसे बच्चा पोसते, छू करके स्पर्श। अंडा देने के बाद पक्षी जब अपना पांव से छूते हैं तो स्पर्श में छूने में ताकत है, वो अंडा पक्षी बन करके पंख वाला होकर तैयार होता, दूध की जरूरत नहीं पड़ती, दूध देना ही नहीं। और मछली, मछली के पास पाख रही है, तब क्या आंख है ना, पाख रही तो आंख है, आंख से अंडा को देखती है मछली, अब अंडा पुष्ट हो जाता है। किसी के पाख में ताकत, किसी की आंख में ताकत, और कछुआ को न आंख है और आंख तो है लेकिन पाख नहीं है, तो आंख से भी नहीं कछुआ देखता है, मन से स्मरण करता है। अगर सोने के पुरवारी तट पर अंडा है तो पछारी तट से कछुआ स्मरण करता है, कमठ अंड की नहीं मानस प्रयोग, याद करता है, मन से याद करता है, याद करने से कछुआ का अंडा पुष्ट हो जाता है। इस परमात्मा की सृष्टि में मछली का बच्चा मात्र देखने से पुष्ट होता है, पक्षी छू करके पुष्ट करता है, तो याद करते मुक्त हो गया। आश्चर्य आपको क्या है, मुक्त हो गया, वही जो कहलाता था सकता। सुन, पूर्व जन्म में था प्रहलाद का चचेरा भाई हिरण्याक्ष का बेटा, नाम था, यह चर्चा गर्ग संहिता में भारत भागवत इसका विस्तार नहीं, विस्तार नहीं। मुक्त हो गया, लोगों ने गाड़ी को सीधा किया तो 27 दिन के होते न होते भयंकर 3 घटनाएं घट गई गोकुल में। अब कन्हैया साल के ऊपर हो गए, दौड़ते हैं पीते हुए बछड़ों को पकड़ लेते हैं, आश्रय मुंह से अस्तर में गाय के स्तन पीने लग जाते हैं। एक बार कन्हैया खेलते खेलते बच्चों के बीच घर भाग कर आए, माँ यशोदा मक्खन निकालने के लिए दधी मत रही थी, मथानी चला रही। कन्हैया ने कहा माँ दूध पीऊंगा, माँ बोले किसका दूध पिएगा, धौरी गाय का, काली गाय का, ताजा दूध पिएगा या गर्म दूध पिएगा, छाली वाला पिएगा या दधी पिएगा। बोले कन्हैया किसी की नहीं, मैं तुम्हारा दूध पीऊ। अच्छा पी ले, मथानी छोड़ के माँ कन्हैया को दूध उठा ली, दूध पिलाने लगी।
अभी दूध पीना शुरू किया था कन्हैया ने, लेकिन आड़े पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। आज तेज होने से दूध में उफान आया। माया सुन के कन्हैया को लेकर जाऊंगी, कहीं गर्म दूध पर गया तो जल जाएगा हाथ ना, इसलिए कन्हैया को उतार दी। कन्हैया अभी दूध पीना शुरू किए थे, अधूरे में उतार दी, खुद हो गए कन्हैया। भले दूध को ठंडा पानी दे करके पेड़ा में पचका दिया, मैया ने शांत कर दिया, दूध तो शांत हुआ, लेकिन कन्हैया खुद खुद शांत करे। कन्हैया खुद होकर लोहिया उठाकर उस बर्तन में फूट दिया जिसमें दधी मथा जा रहा था, थोड़ा दूध बचाई और बड़का भांड का दधी बिखर गया, मक्खन पीसा सब आंगन चिपरा गया, मैया को गुस्सा गया। छड़ी उठाई, आज तुझे मैं छठी रात के दूध ऊपर करा था, ग्राम मारे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया भाग चले, मैया खदेड़ चली। कन्हैया कायांगन नंद का कोई भाई आगना गिरने वाला नहीं था, बंटवारा करने वाला नहीं था, इसे बड़ा आगन आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे छड़ी लिए मैया भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक चक्कर लगाया बड़ा आंगन में, मुड़कर देखा कन्हैया ने, माँ थक गई है, पसीने से तर बेतर हो गई है। माँ आज की माँ नहीं है, चाय पीने वाली। हाँ पुतो जी चाय दे, तुम सास भी बहुत खुश है, बुढ़िया को भी अब चना छा नहीं लगता, चाय पीती है बेटी, वार वार चाय भी लगती लगे। और उसका मंत्र हो आज की बुढ़िया का, सदा के तली गरम रहे, असन मुख रहे पलेट, अब पांच देवर अच्छा करे बेनी चाय सिकरे। पहले की बुढ़िया ऐसे नहीं बोलती, पहले की बुढ़िया कहती कि सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु से रक्षा की मांग करने वाले मैया थक गई, पसीने तरबत हो गई, कन्हैया को दया आ गई, खड़े हो गए तो मैया गुस्सा कुछ कम गया, छड़ी पी करके गड्ढा पकड़ ली। आज मैं रास्ता में मांगूंगी छोड़ूंगी नहीं। रस्सा लाई, कन्हैया कमर में रस्सा लपेटने लगी, गांठ देने चली तो दो अंगुली छोटी हो गई, फिर रस्सी जोड़ दी, फिर गांठ देने चली तो दो अंगुली छोटी हो गई, भर भर घर भर की रस्सी लगा दी, लेकिन गांठ देने चले तो अंगुली छोटी हो जाए। परीक्षित कहा, महाराज आप बनाकर कह रहे हैं सुखदेव जी के सच्ची बात, रस्सी तो जोड़ने से बड़ी होती तो दो अंगुली छोटी कैसे हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, अरे बात दूसरी है, यहाँ क्या है बताइए ना। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसको बांध रही है वो है कौन, वो कन्हैया नर नहीं है, नारायण है, और नारायण माया के ऊपर है, रसी माया है, बंधन को माया कहते हैं। माया पति को माया बांधे तो कैसे बांधे, नारायण को रसी बांधे तो कैसे बांधे। इसलिए कमर में दो छोटी, मतलब माया दो प्रकार की होती है, एक माया को विद्या कहते हैं, दूसरी माया का नाम है अविद्या। कहा बताया, वेदों में बताओ, दूसरे में कहा, और गोस्वामी जी लोग की बात को कहा, लखन लाल को समझाते श्री राम कहते हैं, अरण क्या कहते हैं, कि माया रु मोर कि माया रु मोर तोर तय यही वेद कहते हैं। वेद स्तुति में लिखा गोस्वामी जी ने, श्रुति से तू पाल बाल
गीता भगवान कहते हैं मैं फिर खेल ब्रज नहीं फिर देश चरा चर हे सुना नहीं कौनते जगत भी परिवर्तित है। सारे वेद पुराण कहते हैं स्वर से माया सृष्टि करती है, एक माया जिसका नाम विद्या है संसार में जीवों को फंसाती है उसका नाम अविद्या है। अविद्या माया से पशु पक्षी ब्रह्मात्मक मुग्ध है और विद्या माया संसार निर्माण में भगवान की सहायता करती, ये दो माया है। दोनों माया माया पति को नहीं मान सकती, हाँ किसको किसको मानेगी, शंकर जी को, ब्रह्मा को, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, इस जगत के त्रिभुवन में सबको मानेगी, मायापति को नहीं मानेगी। शिवा विरांति को मोहई, शिवा विरांति को मोहई को है पुराण भजई मुनि मायापति भगवान शिया वर राम चंद्र की। मायापति को माया बांधे कैसे जरा सोच लो, इस मायापति भगवान के नाम सुमरण करने वाले हनुमान की पूछ में लंका में कपड़े उड़िया गए, तेल घी उड़िया गया, करके पूछ पूरी नहीं हुई। सुंदरकांड में गोसाई जी ने लिखा कि बाढ़ी पूछ कि कि पूछ में एक देश के कपड़े लते घी तेल सब उड़िया सकता है तो कन्हैया स्वयं मायापति की कमर में रस्सी घर में कैसे पूरी होगी। दोनों माया नहीं है डर के मारे सामने, इसे दो अंगुल छोटी होगी। भगवान ने देखा मां पकड़ने में जितना परेशान न हुई थी उसे ज्यादा कांट बनने परेशान है, दांत पीस रही है, ऊंट फड़फड़ा रही है, अब आंखें लाल है, क्या हो गया रस्सी में कि जुट नहीं रही, गांठ नहीं पड़ रही है। भगवान ने तिरछी नजर से माया को देखा, भगवान के डर के माया हट गई तो वही रस्सी सट गई और गांठ भी पड़ गई, माया हट गई तो सट गई गांठ पड़ गई, इसलिए कन्हैया का नया नाम पड़ गया दाम, उधर दाम माने रस्सी, उधर माने कमर, कमर में रस्सी रहने से हाथ से नया नाम कन्हैया का होगा दामोदर। जब दामोदर नाम के भक्त पुकारता है भगवान अपना ईश्वर भूल जाते हैं, भक्त परमस्था प्रकट हो जाती है। त्रिभुवन को बांधने वाला खुलाने खोलने में समर्थ आज रस्सी के बंधन में आ गए भक्त परमस्त है भगवान। माँ बोली ठाक कभी नहीं खोलूंगी, एक छुर तो कमर में बांध दी दामोदर नाम हो गया, एक छुर उखल में बांध दी खूटा में, उखल में, उखल कितना कहाँ ले जाएगा, बड़ा भारी उखल में बांध दिया एक छुर को। धीरे दधी मक्खन को उठाने के मैं आगरा में आगे गई, कन्हैया ने तिरछी नजर देखा माँ धंधा में लगे, हम बंधा क्यों चुप रहे, घसीटने लगे धीरे धीरे उखल को, घसीटते घसीटते आगरा से सदर द्वार पर बाहर आए। कुछ दूर बाहर के बाहर वो पेड़ तक का हुआ जुड़वा, दोनों पेड़ के बीच से निकल गए, दोबा की तरह अटका दिया उखल को रस्सी से, खींचा खींचते ही दोनों पेड़ जल से गिर गए धड़ाम, गिरती बड़ी आवाज में लोग दौड़े क्या हुआ, नजदीक था देखा हाँ केवल पेड़ नहीं गिरा, दो पेड़ के जल से दो पुरुष प्रकट हुए, बड़ा दिव्य चेहरा था, कन्हैया की प्रार्थना करती परिक्रमा करके गायब हो गए। परीक्षित पूछा महाराज पेड़ के जल से कौन निकला, दो कौन था, सुखदेव जी कहते हैं कि उनका नाम था नल कुबर मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के बेटे थे, जवान हुए तो बड़े शैतान हुए, ये बिना कपड़े के बिना कपड़ा पहने नंगा बदन जलाशय में नहा रहे थे। नारद जी ने देखा अरे तुझे मालूम नहीं जल के देवता वरुण होते, अब वरुण का तो अपमान करता है नंगे बदन नहा रहा है देवता का बेटा होकर के, अगर नंगा ही रहना है तो वृक्ष टोली में जा, वृक्ष कौन कपड़ा पहनाएगा, जा सब दिन नंगे रहना, इसीलिए नारद के साथ से नंगे पेड़ बने, पेड़ का नाम अर्जुन वृक्ष, अर्जुन संस्कृत में, हिंदी उसका नाम है कहुआ का पेड़, दोनों कहुआ का पेड़ जमा था नलपुर मणिग्रीव, बहुत रोया था नारद ने कहा कि जब भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो तेरा उद्धार होगा। आज नारद जी के वचन को सत्य करके भगवान ने दोनों पेड़ को उखाड़ दिया, नलकुंवर जड़ जोनी से मुक्त होकर देव जोनी में चले गए, नलकुंवर मणिग्रीव कुबेर के दोनों बेटे चले गए। कहुआ को अर्जुन ने कहा है संस्कृत में, एक कहुआ का पेड़ बड़ा काम का है, हार्ट के रोगियों के लिए बड़ी अच्छी दवा बनती है, आयुर्वेद उसकी दवा बनती है, अर्जुन आसो अर्जुन अरिष्ट, हृदय रोगी उसका सेवन करे रोग से उसको छुटकारा मिलेगा, जो गरीब है
दवा खरीद नहीं सकता अर्जुन स्वर्गनारी, तो छाल लाओ पथरवा के ऊपर से छाड़ दो, भीतर का छाल लाओ 250 ग्राम और 3 लीटर पानी को मिट्टी के नई हांडी में उसको उबालो, जब 1 लीटर बचता उतार लो, ठंडा होने पर छान लो और छान कर 2-3 बार करके पी जाओ, ऐसे रोज करो, कोई ज्यादा खर्च नहीं है। अब थोड़ा जरावा लगेगा कोई बात नहीं है। अब उज्ज्वला आयोजन से नरेंद्र मोदी सबको घर घर दे रहे हैं, आप जलाने की जरूरत नहीं है, गैस पर काम चल जाएगा, मजे से ये रोग सदा के लिए दूर हो जाए कुछ दिन पीने से। अर्जुन भागवत एक शब्द भी ऐसा नहीं जो न हो, काम के लायक नहीं, जानने की जरूरत है। अर्जुन ने सुखाड़ दिया, जो अर्जुन हो गए पेड़ गिरने से जो आवाज ही दौड़ के लोग आए, आने वाले में नंद भी आए, देखा रे हमारे कन्हैया कमल ऐसा किसे मारा, बलदेव ने देखा अगर कोई कह देगा कि यशोदा जी ने, तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए बलदेव जाकर कोई नहीं अपने खिलाड़ है, कभी गर्दन में रस्सा बांधता है, कभी मार लेता है, टांग में बांध लेता है, अपने किया है, चलो मुकर्दा होने से बच गए। रस्सा खोला नंद जी ने, भगवान ने कहा आज तक मैंने किसी का कर्जा खाया नहीं, आप तो मेरे ऊपर कर्जा ला दू, मेरी कमर की रस्सी आपने खोल ली, यदि जीवन में कोई गांठ होगी तो मैं खोल दूंगा। 2 बार मौत से छुड़ाया नंद जी को भगवान ने, एक बार वन देवी की पूजा करने गोपाल आए थे गोकुलवासी, अजगर रात में सोते अगर निकलने लगा सबको छोटा इनको निकलने लगा और धीरे धीरे कमर तक निकल गया, ग्वाल बाल हल्ला करने पूछे लुकवारी से दाग रहे थे कि अजगर नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण दूर थे, जब वो आए तो पैर से छू दिया अजगर को, बस मुक्त हो गया, छूट गए, निकल जाता पूरे जीते जी शरीर को, भगवान एक बार गांठ खोलने से अजगर के मुंह से छुड़ा दिया। और एक बार जब मंदिर में डूब गए थे, कई घंटे नहीं कई दिन के बाद उनको छुड़ा कर लाए, मरे हुए नंद को भी जिंदा कर दिया। भगवान कहते हैं संसार का बुद्धिमान, संसार को तुमने बहुत दिया, बाल बच्चों के लिए चोरी करके डकैती करके आरी काट करके सब करके तुमने बेटे को दे दिया, बेटा बहुत करेगा तो मन भवन में हाथ देगा, कितने तो बेटे जितने भी तुम हमें हाथ दे रहे हैं, और जो बीड़ी ला कर देता है बाप खैनी देता है तो क्या आगे पान में दे रहा है, गांजा ला कर दे रहा है तो आगे दे रहा है, जितने आगे दे रहा है मरने के बाद तो छोड़ दू, लेकिन हाँ कौन है जो सचमुच में मुक्ति प्रदान कर सकता है, ऐसे भगवान है जो कहते हैं कि जो हमारे लिए कुछ भी देता है उसके लिए मैं मौत से भी उबारने का प्रयास करता हूँ। 2 बार मौत के मुंह से निकाला नंद, एक बार रसी कमर खोलने से पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रेच्छति तद हम भक्ति प्रीतम स्नाभि प्रेतात्मनः नवा जाएगी। भगवान कहते कुछ भी नहीं मिले उसी पद में चढ़ा दो, प्रेम से चढ़ाओ, लेकिन प्रेम से चढ़ाओ, हृदय से चढ़ा दो, कुछ भी नहीं थोड़ा जल ही अर्पित कर दो, फूल भी अर्पित करो, फिर तुम्हारा दिया हुआ जल फूल के तुलसीदल तेरे लिए ऐसे समय में काम आएगा जब दुनिया नकार जाएगी, मदद करने नहीं आएगी, बड़ा काम देगा। तो भगवान कर दिया कभी विफल नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता है, जो कुछ आप आज पाए हुए हैं कभी भगवान के लिए कुछ दिया था तब मिला है, जिसने नहीं दिया था वो आज वंचित है। अगर कोई अभावग्रस्त जीवन जी रहा है तो निश्चय उसने भगवान किसी जीवन में कुछ नहीं दिया है, तभी उसका अभाव खटक रहा है, दुख दे रहा है, जिसने कुछ दिया है उसे आज मिल रहा है। भगवान कभी अपने खजाना में जमा नहीं रखते, दिए हुए को कई शुद्ध जोड़ करके दर शुद्ध दिया करते हैं। इस तरह से नंद जी को 2 बार मौत चुका, एक बार रस्सी खोलने से कन्हैया का नाम दामोदर हो गया। धीरे धीरे बड़े बड़े संकट आने से लोग घबरा गए, बड़े बूढ़ों ने मिलकर निश्चय किया कि यदि पेड़ की एक डाल भी गिर जाती कन्हैया के ऊपर तो क्या दशा होती, ऐसे ऐसे संकट आ रहे हैं जहाँ पर बच्चे हमारे खतरे से जूझ रहे हैं, जब बच्चे ही सुरक्षित रहे तो रहकर क्या कर, छोड़ दो जगह, सब निर्णय कर दिया, गोकुल का परित्याग कर दिया, वृंदावन में जाकर डट गए लोग, नई जगह में झोपड़ी बना करके गाड़ी कोई अर्थतंत्रकार खड़ा कर गाड़ी पे सामान रख करके लोग गुजर करने लगे, गोकुल वीरान हो गया। अब कन्हैया कुछ बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राजा की ओर से नहीं थी, तरतराएं नहीं थी, बछड़े बछिया चराते ग्वाल बाल और बड़े बूढ़े लोग गाय चराते, खेती बाड़ी नहीं, इसी गोधन के द्वारा जीवन यात्रा का निर्वाह होता था। कन्हैया भी अब बलदेव जी के साथ ग्वाल बालों के बछिया और बछड़े चलाने निकल पड़े,
पहले दिन चलाए गए तो पहला खतरा वहां भी होगा वृंदावन में। एक बगुला बछड़ो और बचिया के बीच से धीरे धीरे चल रहा था, बड़ा रंग दिल दौड़ का बड़ा था, ग्वाल बार नहीं समझ पाए, कन्हैया में समझने भी कुछ विलंब कर दिए। तब तक कन्हैया के नजदीक आया और सीधे निकल गया, सीधे निकल गया। लेकिन कन्हैया ने देखा हाँ ये असुर है, इतने गर्म हो गए कि कंठ से नीचे नहीं गए, उसका तरुआ जलने लगा, जीव जलने लगी। तो जैसे बूढ़ा कोई गर्म चाय पे मुंह में डाल दे और उगल दे, वही दशा हुई। वह निकल तो गया लेकिन फिर उगल दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। कन्हैया बाहर निकलते दोनों चोंच को पकड़ कर ऐसे फार करके बिक दिए जैसे बूढ़ा बाबा जी भी फार के बिक देते हैं कुछ चीज, ऐसे बिक दिया। मरा तो उन्होंने कहा जिसे एक पक्षी समझते तो असुर है, इतना विशाल राक्षस है। दूसरे दिन घटना, बछड़ों के बीच में एक बड़ा ढील दौड़ा बछड़ा चरने का स्वांग उगलता, लेकिन बछड़ा नहीं था वही बंता सुन था, वो बका सुन था, पुतना का भाई था, बहन के बंदा लेने आया तो भी चला गया। बछड़ा धीरे धीरे चलता, कन्हैया इस बार सजग थे, समझ गए कि भी बछड़ा नहीं है, बछड़े के रूप में खतरा करने आया है, जल्दी से पीछे चले गए। आ दोनों टांग पीछा पाकर अशक घुमा कर के तार की गड़ी को फटका, जब बाहर जीव निकल आई, मरा तो भी भयंकर दैत्य था वो भी मारा गया। एक दिन भी ऐसा न होता कि कोई न कोई भयंकर खतरे हो जाते। एक दिन सावन का महीना था, मीठे मीठे पके ताड़ के मधुर मधुर गंध वायु से चारों गंध बिखर रही थी। श्री रामा नाम का साथी बड़ा मुंह लग उठा, बलदेव जी के पास आया, भैया ये मीठा मीठा ताड़ का फल हमारे जीप से पानी गिर रहा है, क्या मीठा ताड़ फल नहीं खिलाओगे? बलदेव जी से कहा, बलदेव का जरूर खिलाएंगे। दो उसमें रहस्य था श्री रामा का, उस ताल वन में जहां बहुत ताड़ के पेड़ थे, एक धनु का असुर नाम का असुर रहता था, गधा का रूप बना कर रहता, पूरा परिवार गधा के रूप, जो गधा समझते के जानो भी चल रहे उस घास जंगल में ताल बन जाती, खा जाता मारकर मनुष्य के क्या हाथी जो वहां जाए। ताल बन उसी के द्वारा सुरक्षित, कोई हिम्मत नहीं करके अंदर जाता, सुरक्षित लड़ मारा जाता था। श्री रामा ने इसीलिए कहा कि बलदेव जी जाएंगे मारेंगे उसको तो मीठा फल भी खाएंगे, मीठा मजाक भी करेंगे। बलदेव जी इतने तगड़े हैं कि गधा को भी मार देते हैं, अगर गधा कहे का लाल लगा दिया गलते, बलदेव जी तुम्हारे इतने अच्छे पहलवान है कि गधा में दो लाख को दे देता है, तो कहने में भी मजा आएगा और खाने में तो मजा आएगा ही। इसी विचार से श्री रामा ने प्रस्ताव रखा, बलदेव जी समझ उसकी चालाकी, बल चलो हम खिलाते हैं साथियों करेगा। बलदेव जी गए तालवन में, एक पेड़ को पकड़ कर हिलाया जोर से, फल को क्या बताया, खगड़े भी गिरने लगे और धपाधप आवाज हुई, तो धेनुकासुर जो परिवार के साथ गधा गुस्सा में उठ खड़ा हुआ, रे किसने मुझे चुनौती दिया है, दौड़ा, सोचा दांत से काटते चावल दुलत की मारे, बैग गियर में गाड़ी लगाया, पीछे पीछे आकर हमला करना चाहा। बलदेव जी ने कहा आजा नजदीक तो मजा चखाऊ, नजदीक क्या था कि उछल के बंदे दोनों टांग पकड़ लिया, जोर से घुमाया और टेढ़का तार की जड़ी पैसे पटक दिया, जैसे सड़क की गोबर को भैंस को उठा करके टेढ़के तार की जड़ी पर गोबर ठोकनी ठोक दे, गोबर जी बाहर निकल आई, ढेर बार से मारा पूरे परिवार को, बलदेव जी रगड़ मारा, वो ताल मन उस दिन से निर्विघ्न हो गया, भरपेट लोग पके थाल खाए और घास भी चल के गैया निहाल होने लगे। ऐसे बलदेव जी की मदद से धेनुकासुर को मार कर ताल बल को साफ कर दिया भगवान ने। ऐसे ही एक दिन के बाद कलेवा लेकर के आने में कुछ विलंब हो गया कन्हैया को, तब तक ग्वाल बाल अपना बछवा बछिया लेके आ गए यमुना किनारे। आज एक बिल्ल मंगल नाम के गरीब ग्वाल का बछड़ा प्यास से पीड़ित उस छेड़ा में भूख से चला गया, जिसमें